नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के एकमात्र भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वेलफेयर की नई और फ्रेश वीडियो में। बड़ी खुशखबरी ऑफिसर्स, जेसीओ और जवानों के लिए रक्षा मंत्रालय की जबरदस्त घोषणा। तो दोस्तों, पूरी और सही जानकारी के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और नीचे कॉमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर दें। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको हमेशा मिलती रहेगी। जैसा कि दोस्तों आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर की ओर से ये लेटेस्ट ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया है 12 अप्रैल 2019 को, और इसको भेजा गया है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ और चीफ ऑफ द एयर स्टाफ को भेज दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जाबाजों, एमरजेंसी कमीशन ऑफिसर्स, स्पेशल कमीशन ऑफिसर्स, प्री मेच्योर रिटायर्ड एम्प्लॉयज के बच्चों को भी अब ECHS का लाभ दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए आपको वन टाइम कंट्रीब्यूशन देना होगा। रिक्रूट और हवालदार रैंक के लिए वन टाइम कंट्रीब्यूशन होगा 30,000 रूपए और इसके लिए आपको जनरल वार्ड की सुविधा दी जाएगी। और नायब सूबेदार से लेकर मेजर रैंक तक के लिए आपका कंट्रीब्यूशन होगा वन टाइम 67,000 रूपए कंट्रीब्यूशन देना होगा। इसमें आपको सेमी प्राइवेट वार्ड की सुविधा दी जाएगी। ऑल ऑफिसर्स रैंक के लिए वन टाइम कंट्रीब्यूशन होगा 1,20,000 रूपए और इसमें प्राइवेट वार्ड की सुविधा इनको दी जाएगी। तो ये थी दोस्तों एक बड़ी अपडेट। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।